मोटरसाइकिल से आना था हम लोगों को यहाँ पर, किसी तरह से ही पहुँचे हैं यहाँ। बारिश होने लगी अभी इस वक्त और मोटरसाइकिल स्लिप कर रही है, इस वजह से हम लोग जा नहीं सकते ज़्यादा तेज आगे। इतनी सारी मुश्किलों को पार करते हुए रास्ते भर में तो ऐसी ऐसी चीज़ें थी, आप ये रोड देख सकते हैं, इस रोड के ऊपर मैं मोटरसाइकिल लेकर। हाँ, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, आज थोड़ी मोड़ी हाइकिंग और थोड़ी मोड़ी हाइकिंग होगी और फोटोग्राफी होगी, कुछ फुटेज लेंगे, कुछ ब्लॉग बनाएंगे, घूमेंगे। या वी गो यू नो जस्ट गो ऑल अराउंड, सो इट इज कॉल्ड घूमेंगे। या यू आर अ गुड लर्नर। जस्ट गो अराउंड। नो एक्चुअली या वी बिलीव लाइक इन अफ्रीका। मैं अभी एक टैक्सी में बैठा हूँ और हम लोग अभी जा रहे हैं एक जंगल में घूमने के लिए, हाइकिंग करने के लिए। और छोटी सी टैक्सी है, यहाँ पर लोकल चलने के लिए यही होती है। हमें आ रहा है, बातचीत कर रहा है कि लोकेशन पे क्या क्या है, कैसे है। बाहर खड़ा है वो देख सकते हैं। वो वहाँ खड़ा है, बातचीत कर रहा है। देखिए रास्ता, सफ़र शुरू होने वाला है, मज़ा आएगा। जंगल में हाइकिंग करनी है, फोटोग्राफी करनी है। सूरज बहुत ज़्यादा ही ऊपर आ गया है तो कुछ ज़्यादा मज़ा तो नहीं आने वाला फ़ोटोग्राफी में, लेकिन तो भी जो भी पॉसिबल होगा ले सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा अंधेरे में निकलना ठीक नहीं होता है यहाँ पर। तो इसलिए सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेते हुए थोड़ा लेट करके ही निकलना पड़ेगा। अब जो भी मिले, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर सकता मैं, किसी को भी नहीं करना चाहिए। सेफ्टी सबसे पहले ज़रूरी है। यहाँ अफ्रीकन कंट्रीज़ में थोड़ा सेफ्टी का इशू है। अगर लोकल कोई आदमी आपके साथ है तो हाँ ठीक है, विदाउट लोकल आप अकेले टूर करना बहुत ही ज़्यादा ही एडवेंचरस जॉब हो जाएगा। इसलिए कोई ना कोई साथ में रहना ज़रूरी है। यहाँ के लोग थोड़े से अग्रेसिव हो जाते हैं फॉरेनर्स को देखकर, वो जल्दी पास में आ जाएंगे। और गरीबी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है कि आदमी आता है पास में आ जाएगा, बहुत कुछ ज़्यादा आपको कुछ बेचना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे और वो इंग्लिश भी नहीं जानते, और फिर एक अलग तरह का सिचुएशन वहाँ पर बन जाती है जिसको हैंडल कर पाना बिना लैंग्वेज को जाने एक इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ऐसा होता है यहाँ पर, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक आदमी ज़रूरी है कि साथ में हो। तो वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, नहीं तो इतनी छोटी जगह, जैसे मैं अभी लुशोतो में हूँ, कल बस 7 से 8 घंटे करीबन मैंने बस में सफ़र किया था। रास्ते पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था सही में, मतलब इतना खूबसूरत नज़ारा मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा जितना खूबसूरत मैंने कल देखा था।
और शायद जब मैं वहाँ से वापस जाऊँगा तो ऐसा ही खूबसूरत नज़ारा फिर से मिलेगा देखने को। और बहुत ही मज़ा आया था खिलाने में रास्ते में। बस 8 घंटे का सफ़र था लेकिन पता नहीं चला, सिर्फ बाहर देखते देखते ही निकल गया। इतना खूबसूरत था, RGB था, लाल मिट्टी, हरा हरे हरे पेड़ और नीला आसमान। इट्स RGB था, रेड ग्रीन ब्लू, लेकिन बहुत मज़ेदार था। अब यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये जो हिल एरिया है, ज़्यादा कुछ करने को तो नहीं, खूबसूरत तो बहुत है, रह तो सकता हूँ लेकिन कुछ करने को नहीं है। तो आज मैं जस्ट जा रहा हूँ बाहर में, देखता हूँ यहाँ पहाड़ों में क्या है, एक दो फाउंटेन्स हैं वो मिल जाएँ, फोटोग्राफ्स मिल जाएँ, वहाँ पर वीडियो बनाऊँगा और फिर वहाँ से मैं चला आऊँगा। मैं सोचता हूँ कि मैं कल यहाँ से निकल जाऊँगा। मेरा पहले का प्लान था कि मैं 4 दिन यहाँ रुकूँगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं 4 दिन रुकूँगा। मैं यहाँ से निकल जाऊँगा कल और फिर शाम को मैं प्लान बनाता हूँ कि मैं वापस दर सलाम जाऊँ या यहाँ से मैं अरूशा निकल जाऊँ। हाँ, यहाँ से तकरीबन 7 घंटे का सफ़र है अरूशा का बस से, और अगर मैं वापस दर सलाम जाता हूँ तो भी 7 घंटे का सफ़र है, 7 से 8 घंटे का। तो ये डिसाइड करना होगा, क्योंकि दर सलाम से बसेज अच्छी मिल जाती हैं जो कि कंफर्टेबल होती हैं, और फिर वहाँ से फिर 8 घंटे में ही अरूशा पहुँचाते हैं। तो एक ये अजीब सा ट्रायंगल बना हुआ है कि जिसमें कि वापस जाने पर उतना ही समय लगता है, लेकिन दर सलाम से अरूशा जाने में फिर उतना ही समय लगेगा, 7 से 8 घंटे के अंदर में हो जाएगा। तो ऐसा होता है। मैं बैठ गया हूँ दूसरी गाड़ी में। पहले हम लोगों ने बाइक सोचा था, फिर उन्होंने फिर टैक्सी किया, पता नहीं क्या बात हुई, पता नहीं, भगवान जाने। लेकिन शायद वो पीछे 3 सीट पर 4 आदमी बैठा रहे थे जिस सीट में मैं बैठा हूँ। लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने बात उसने बात की तो तीन ही बैठने के लिए, किसमें जगह नहीं है, 3 ही आदमी बैठने चाहिए। तो शायद कुछ पैसे लेगा वो और बैठाएगा 3 आदमी को ही। तो हैप्पी जर्नी कह सकते हैं, देखते हैं क्योंकि इतना टाइम और लगता है, फिर व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा। हम लोग आ गए हैं
यहाँ ये ऑकलैंड्स मिनिस्ट्री नेशनल पता नहीं कौन सी जगह है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस? Magamba. Yep. So we are heading to take the tickets. What? It is in African, you know. So like you can just read, I cannot. Okay, so they say this is Ifade, something like Ifade. It's a conserve of the forest and the natural environment of Magamba. Okay, yep. This is the conserve. Yep. Yeah, okay, we should. There is no tickets about it. Let's go. We just have to take the bike. To go where? Yeah. Where? To the entrance. Okay, to the entrance. मैं यहाँ हूँ नेशनल पार्क में. एक्चुअली ये फॉरेस्ट कंजर्व है, यहाँ बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी भी है. यहाँ पर आगे सब कुछ अंडर डेवलपमेंट है लेकिन अच्छा है. मैं आया हूँ, हेमद अभी टिकट खरीद रहा है. 2000 सीलिंग्स लोकल के लिए है और फॉरेनर के लिए 20,000 सीलिंग. 20,000 सीलिंग नहीं, $10 मतलब करीबन 23,000 सीलिंग. तो इतना लगता है लेकिन ठीक है, अच्छा जगह है, अच्छी जगह है ये. देखिए कितनी बढ़िया जगह है. और हम लोगों की बाइक खड़ी है वहाँ पर. इसी बाइक से वाटरफॉल पर जाना है. वहाँ वाटरफॉल पर जाएंगे, कुछ हम लोग फोटोग्राफ्स लेंगे, वीडियोस बनाएंगे और फिर वहाँ से वापस चले आएंगे. वैसे तो 2-3 जगह है जाने के लिए, कैंपिंग की जगह है और काफ़ी जगह है, लेकिन वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं बनता है. लेकिन वापस जाना भी है, काफ़ी दूर है. करीबन अहमद, ओह थैंक यू, ठीक है. जस्ट is a space maybe. Okay. Oh, I got a ticket. So hum log chal diye. Hawa bahut tez chal rahi hai. रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था,
मोटरसाइकिल से आना था हम लोगों को यहाँ पर, किसी तरह से पहुँचे हैं यहाँ। बारिश होने लगी अभी इस वक्त और मोटरसाइकिल स्लिप कर रही है, इस वजह से हम लोग जा नहीं सकते ज़्यादा तेज आगे। और हम लोगों के जूतों की हालत यह अहमद है, इसके जूतों की हालत देख सकते हैं, मेरे पैंट की हालत है ये। और ये हमारे ड्राइवर हैं, व्हाट्स हिज नेम, ये क्या जस्ट कौन था, ये तो पॉल, 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 द ड्राइवर इज अ पॉल एंड ही इज वेयरिंग अ स्वेटर, ओह मिसिंग, मिसिंग पास, ओह मैन, एंड ही इज लुक वाइट, आई डोंट नो हाउ यू कैन फाइंड हिम इन दिस प्लेस, यू नो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट शी कैन बी फाउंड वेरी इजीली बिकॉज़ शी इज वाइट, सो yeah, but this is a very noble cause, you know, he's wearing and doing very good thing. So ab ye bada badi achhi jagah hai, badi sundar jagah hai, hum log yahan choti si jagah pe chhipe hue hain, pani baras raha hai isliye kyunki equipments to waterproof hai lekin hum log nahi hai, we are not waterproof. So thoda sa thand bhi badh gayi hai to barish band hone ka intezar karte hain 5 se 7 minute mein. What, you feel cold? No, no. Come on, I can give you this. No, man. Really? Really, I don't feel. I want to do that. Oh no. So no, man. I really don't need that. Okay. So, यहाँ पर आप थोड़ा सा पानी बंद होने का इंतजार करते हैं, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगेंगे, 5-10 मिनट में ये पानी बंद हो जाना चाहिए। और बड़ी सुंदर जगह है, बड़ी अच्छी जगह है। How much for the destination is from here? Just around here to the lake. We are just here, but we cannot do anything in the rain. We have to wait here. Yeah, it's simple. So, बढ़िया है, देखते हैं नज़ारा, खड़े यहाँ बैठे बैठे खड़े खड़े, अरे तेज होती जा रही बारिश, now it's going, बहुत ही ज़्यादा तेज, मज़ेदार मौसम है। और वो भी बाइक सफारी पे, आज तक मैंने नहीं की थी बाइक सफारी, आज मैं कर रहा हूँ बाइक सफारी। हाँ हाँ, यू आर बिकमिंग एन फोटोग्राफर, यस यू आर बिकमिंग अ फोटोग्राफर, ओके, that was only secret that was hiding from me, now I found it. I was not hiding, actually I didn't know too. Okay. You need some lesson, just feel free to tell me. Yeah, if I know. So, पानी बहुत ज़बरदस्त है अभी, रास्ता और भी ख़राब होने वाला है क्योंकि वो पहले से ही गीला था, गाड़ी स्लिप कर रही थी, पानी थोड़ा थोड़ा हो रहा था तो हम लोग को रुकना पड़ा। अब तो बरसात में रास्ता ऐसा हो जाएगा, आपको मैं रास्ता दिखाता हूँ, ये है रास्ता और ये है हम लोगों की बाइक जिस पे हम लोग आ रहे हैं, और ये चढ़ाइयाँ चढ़ते हुए आना है यहाँ पे, सिर्फ चढ़ते ही जा रहे हैं, चढ़ते ही जा रहे हैं हम लोग, चढ़ते ही जा रहे हैं नीचे से लगातार, और बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है, ओवरऑल बहुत मज़ेदार है। फिर अभी आगे जाना है अराउंड, इट्स एन, it would be in a half kilometer to the destination, to the lake. No, it's just around here. Okay, but we cannot hear. Yeah, okay. Oh man, good. So barish band hone ka intezar karte hain. के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत देर से पानी बरस रहा था और अब हम लोग फिर से ऐसी बरसात में, पानी आ रहा है अभी भी ऊपर से, काफ़ी डेंजरस है बाइक चलाना, लेकिन हमारे ड्राइवर चला रहे हैं। बीच रास्ते में दूसरी मोटरसाइकिल मिल गई तो उस पर हेमत ने शेयर कर लिया, ये पीछे पीछे आ रहा है और
ये है रास्ता। के बाद यहाँ पहुँच पाए हैं हम लोग। अभी भी पानी बरस रहा है, कभी थोड़ा कभी ज़्यादा, शायद तेज बरसने लगे इसलिए मुझे अभी शेल्टर में जाना होगा। यहीं पर एक वाटरफॉल है, मेरा जूता पूरा भींग चुका है, मेरा मोजा पूरा गीला है, पूरी तरह से पैर जो है वो भींग चुका है।
अब देखना है यहाँ से क्या दिखता है। ये यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं। 1.5 घंटे करीबन, कुछ नहीं तो 40-50 किलोमीटर अंदर जंगल में हम लोग हैं इस वक्त। Mzuri, mrembo wa zamani. This dog doesn't bite? No, it's just doggy. Yeah. ये चारों तरफ बादल आ रहा है, बादल है ये। वाह, ओह, इट्स चिलिंग मैन। चारों तरफ बादल भर गया है, बादल ही बादल, बहुत ठंडा है।
इतनी सारी मुश्किलों को पार करते हुए रास्ते भर में तो ऐसी ऐसी चीज़ें थी। आप ये रोड देख सकते हैं, इस रोड के ऊपर मैं मोटरसाइकिल लेकर कमर और पैर दोनों टूट रहा है। सही में हालत ख़राब करने वाली जगह है। हम लोग उसी जगह पे फिर आ गए लौटते हुए। यहाँ पे थोड़ा समय बिताएंगे, 5 मिनट रेस्ट लेंगे। रास्ते भर में ऐसी ऐसी जगह थी कि मैं बता नहीं सकता, जिसको देख लेने के बाद से आदमी सोचता कि ये चल कैसे रहा है आदमी बाइक लेकर। मुझे खुद को बिलीव नहीं था कि मैं ऐसे रास्ते पर जा सकता हूँ, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि 3 आदमी हैं और सबको ड्राइवर को पकड़ के बैठना है, चिपक के बैठना है, वेट को सेंटर में बना के रखना है ताकि बाइक स्लिप ना करे। ओह सो अहमद, हाउ डू यू फील? हाँ, दिस इज हाउ आई फील। दिस इज गुड। Yeah, this is good. Adventure, man. Yeah. Maybe because of, you know, because of the rainforest system, but maybe there is a certain time good in the year. Yeah, in June, July, August. Yeah, because that time the rain doesn't come. I love your spirit. The thing keep harder and you keep going. That's amazing. Oh man, thank you. The photographer has to be that way. That's why not anyone can do that. You're too strong. Man, really? You are too strong. 52 men. Yo, this thing has to be cut. Okay, bye-bye. If there is some battery left, then there will be another video. There is not much 10% battery left. So, let's see where it can go. Yeah.
भैया आ चुके हैं, मैं भी आ चुका हूँ। हम रूम में पहुँच गए हैं, यह अम्मू का रूम है, छोटा और कपड़ा तो देखने लायक है। सही दिखा सकता हूँ कि ये जूता है, इसकी क्या हाल हो चुका है और पैंट की क्या हाल है। ये इससे बुरा क्या हो सकता है। ये पूरा भींगा हुआ मैं बाइक के ऊपर, मैं बाइक सफारी लेक पर नहीं जा पाए हम लोग, लेकिन कोई बात नहीं, अब आराम करने का मन कर रहा है, कमर टूट रही है।